तो कमजोर हो गई है ना, तो मेरी मेहंदी यहाँ पर हो गई है डन। क्या खाने मेरे बच्चे ने, तो देखते हैं कि कैसी लगती है। वैसे देखो प्यारी लग रही है ना तमन्ना, यहाँ पर सबके जो पैकेट्स हैं वो बन गए हैं और सब चलना है आपने हमारे साथ। लाखो आ गई बुला रही है आपको। बस चलो अंदर। तमन्ना ने यहाँ पर तीन कोने उठा लिए। एक-एक लगाएंगे हम? नहीं, मैंने कहा अगर कम पड़ गई तो दोनों हाथ पे लगवाएंगे। कम पड़ गई तो इसलिए इसने तीन उठा ली। मलाको आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआएं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको कभी भी किसी का मोहताज न करे, आमीन रब। अच्छा तो अभी ना मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मेहंदी नहीं लगी थी पहले दिन। तमन्ना ने और मोना ने ना मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था कि हमने मेहंदी नहीं लगवाई, सबकी ईद हुई, हमारी ईद किस तरीके से। दरअसल मेरी तबीयत खराब थी कि मैंने कल के ब्लॉग में भी आप सबको बताया था, तो इस वजह से अभी इसलिए बस मैं इनको सुबह के टाइम में मेहंदी लगवाने के लेकर जा रही हूँ। अपनी दोस्त नायला के घर हम जा रहे हैं और हस्बैंड जो है अभी सोए हुए हैं, तो मैंने कहा बस मैं ही लेकर चलती हूँ इनको। दूसरे एक बहुत खूबसूरत दिन के साथ आप सबके लिए दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको ऐसी हजारों ईदें देखना नसीब फरमाए अपनी फैमिली के साथ, आमीन या रब। हजारों हाँ, हजारों साल कौन जीते है? हजारों साल हमें दुआ तो देनी चाहिए ना, हजारों साल कौन जीता है। फाइनली अभी ना हम नायला के घर पहुंच गए। सच में बहुत मसला हुआ मुझे, एक बार आई थी मैं रात के टाइम में और अभी ना मुझे घर की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बेचारे को बहुत तंग किया मैंने फोन करके। आखिरकार क्या हुआ कि वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल पे फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे आना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम पहुंच गए हैं। तकरीबन कोई आधा घंटा हो गया हमें एक ही गली में घूमते, हालांकि सिर्फ एक गली का फर्क था, दूसरी गली में हम थे और इस गली में ये नायला का घर था। क्या हाल है? मुबारक। आप लोग पहले आ गए मुझसे गाड़ी घुमाने और आप लोग आ भी गए। कमजोर हो गई है ना। अभी ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि मैं कौन सी मेहंदी लगाऊं, तो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी नायला को कह रही थी कैसी लगा लो, क्या ख्याल है लग जाएगी? सेम लग जाएगी। चले आज देखते हैं कि नायला कितनी टैलेंटेड है। तुम्हें पता नहीं है ना, इसका कलर ना बहुत खूबसूरत है। मम्मा की मेहंदी देखी है, इतनी प्यारी हो गई है ना ये, लेकिन आती नहीं किसी के पास। मलाको कैसी लग रही है? आप देखो कैसी लग रही है, अच्छी है जी। कैसी लगवानी आपने? मैं बाद में आपको स्टाइल बताऊंगी। बाद में स्टाइल बताऊंगी, गूगल से निकाल के। गूगल से निकालेगी। मेरे एक हाथ पे मेहंदी लग चुकी है, देखें बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, और दूसरे हाथ पे अभी नायला लगा रही है। तो मेरी मेहंदी यहाँ पर हो गई है डन, ये नायला ने लगा दी है। अभी किसकी बारी, अभी कौन लगवाएगा? ये देखिए कैसी लग रही है मेरी मेहंदी, प्यारी लग रही है। चलो अभी जब ये उतरेगी ना फिर और ज्यादा पता चलेगा कि इसका कलर कैसा आता है। नायला से अभी हम मेहंदी लगवा ही रहे थे, ये देखिए मेहंदी मेरी लग भी गई है और ये देखिए मैंने उतार भी है। ये मेरी मेहंदी का इतना खूबसूरत कलर आया है और यहाँ पर नायला ने लगा दिया दस्तरखान। हमारे लिए नाश्ता मंगवा लिया इसने और नाश्ते पे पहले आके देखो मलाको आके बैठ गई है। क्या खाना मेरे बच्चे ने? हानिया अचार लेकर आ गई है और माशाल्लाह से देखें नायला के घर में ना पाकिस्तान का बना हुआ अचार। नायला कहाँ से है? रहीम यार खान का, देखें घर का बना है, नायला की सास ने बनाया है। और देखें कितना यमी मजे का लग रहा है ये माशाल्लाह। देखें कि दस्तरखान पे सारे आ गए हैं गरम गरम चनों के साथ। देखें नायला ने नान भी मंगवा लिए, दो चाहिए एक मेरा एक जना। तमन्ना की मेहंदी भी डन होने वाली, ये देखें एक इस हाथ पे इसने ये वाली लगवाई है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह इसके हाथ पे। और दूसरे पे ये देखें लिखा माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। बस इसके दो फिंगर रह गए, ये कम्प्लीट हो जाए। अब आ गई है हानिया की बारी। मलाक ना भी रोने पे आ गए, मलाक को भी नींद आई है और हानिया ने भी अपना डिजाइन सिलेक्ट किया, ये देखे मोबाइल में। और ये देखे मोना ने भी मेहंदी लगवा ली है माशाल्लाह। तो चांद बन रहा है हानिया के हाथ पे, हानिया के हाथ पे चांद बन रहा है, देखो इतना ब्यूटीफुल सा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मेरे बच्चों को खुश किया ईद के मौके पर मुझे। थैंक यू सो मच, ईद की बहुत बहुत मुबारक। मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है धूप में हानिया, देखो हानिया की बहुत। देखिए कैसे पहने हुए, अभी अंदर जाऊंगी ना फिर सही करूंगी। चलो बैठो बैठो जल्दी करो, ईद का दूसरा दिन आ गया, अभी तक आपने ईद ही नहीं दी। हाँ वैसे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अभी तक ना मैंने बच्चों को ईद ही नहीं दी। चले अभी घर चल के देती हूँ।
बच्चों का यहाँ पर मैंने कपड़े निकाले हैं और बच्चों को मैं भी रेडी करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने मुस्तफा के कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं और साथ ही यहाँ पर मेरी मलाको के कपड़े हैं। ये वाली बैंगल ली थी मैंने मलाक के लिए और ये रहा उसका हेयर बैंड, ये लास्ट टाइम हमने लिया था उसकी बर्थडे पे, तो उस अब इसको पहनाया नहीं तो इसके साथ भी देखिए मैच हो गया। ये मलाक के शूज है और मलाक की ये वाली जो ड्रेस है ना ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आई थी, सबकी पसंद को मिला के तो हमने ये वाली ली थी और है भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अब ये पता नहीं कि पहन के कैसी लगती है उसको। और यहाँ पर ये वाली जो ड्रेस है ये हानिया की है, ये मैं पहनने वाली हूँ, कैसी लग रही है तो देखते हैं कि कैसी लगती है। वैसे मुझे लग तो रहा है कि प्यारी लगी और साथ में ये देखिए इसके असल भी लगे हुए हैं और इसका जो दुपट्टा है ना बिल्कुल सिंपल इस तरीके का है, पहनने से पता चलेगा कि कैसा लगता है। ये ड्रेस मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया है, जो मेरी बहनें भेजे थे इंडिया से ये वही ड्रेसेज है तो उनमें से मैंने एक सिलेक्ट किया। तो बस जल्दी से अब मैं भी तैयार होती हूँ, बच्चों को भी तैयार कराते हैं और फिर आप सबको दिखाते हैं। हानिया ने ये वाली ड्रेस पहनी है, जो ड्रेस हानिया के लिए मैंने निकाली थी ना वो इसने नहीं पहनी, कहते नहीं मुझे चुभ रही है मुझे नहीं पहनी, मुझे कम्फर्टेबल ड्रेस पहना दे, तो मैंने इसको ये वाली पहना दी। और अभी मैं इसको पहनाने लगी हूँ, यहाँ से एक नेकलेस एक मलाक को पहनाऊंगी और एक मैं हानिया को पहनाऊंगी। वाह हानी तो बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, प्यारा लग रहा है ना, देखा आपने? मेरे अब तो कॉल चलवा दे इसके साथ के। कौन है आपके सिलवा? नहीं इतना बड़ा है मलाक कैसे पहनूं? नहीं छोटा करके पहनाऊंगी मैं मलाक को। मलाक को भी तैयार होके आ गई, आज मलाक चलो अब आपने नेकलेस पहनना है, इन्हों की ये गले से खींच के फेंक दे, आज आज जल्दी से इसको रेड वाला पहना, रेड वाला मलाक को मैंने पहना लिया। मलाक दिखाओ कैसे लग रहा है, दिखाओ हानिया हटो तो सी आगे से, मुझे लगा थोड़ा सा नीचे करना चाहिए ना, तो नीचे चला गया अब। अच्छा अभी ना मैंने तैयारी कर ली है और पता नहीं मैं कैसी लग रही, मुझे नहीं पता। यहाँ पर आ गई थी मैं चूड़ियाँ अपने लिए कोई सिलेक्ट कर रही थी, मैं कह रही थी कि देखूँ कौन सी मैच हो रही है तो वो पहन लो। कहानियाँ मुझे कह रही है ना ये रेड वाली जो है ये बहुत खूबसूरत है, ये वाले देखें और बाकी ये है भी प्यारी, तो मैंने कहा बस ये पहन लो। मैंने भी रेडी पहनी हुई है, मना ने भी रेड पहनी हुई है, मना ने और मैंने ब्लैक पहना और मोना ने भी ब्लैक पहना हुआ है ना, उसका मन नहीं दिखा। हाँ मोना ने भी ब्लैक ही पहना हुआ लेकिन है सबके डिफरेंट, देखो प्यारी लग रही है ना तमन्ना। बाकी हानिया की चॉइस अच्छी है, हानिया के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के ना फिर पहने, इनको यहाँ पे रख देते हैं फिर एक एक लेके ना पहनते हैं। ये बस ये रेड वाली पहन लेती हूँ, तब तक भी डर है, कई बार ना चूड़ियों की वजह से ना मेरा हाथ ना कटा है, लेकिन सही से कोई टूटी हुई, अगर कोई टूटी हुई तो ये टूट जाएगी मेरे हाथ में। देखो तो मना प्यारी लग रही है ना, प्यारी लग रही है, कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है ना रेड कलर है ना, वो नहीं आ रहे थे देखो ये छोटे हैं, लेकिन चूड़ियां जो है ना वो थोड़ी बड़ी थी, ये छोटे ये नहीं आ रहे, दर्द हो रहा था मेरे हाथों में ये मैंने रख दी। चलिए अभी सब हम तैयार हो गए हैं, मना ने ये वाली ड्रेस पहनी है और मोना ने ये ड्रेस पहनी है और मैंने ये ड्रेस पहनी है, तो खैर सबकी ब्लैक ड्रेस ही लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। तमन्ना प्यारी लग रही है माशाल्लाह, मोना भी प्यारी लग रही है, बस अभी हम सब तैयार हो गए हैं, मना भी तैयार है। और मुझे आप सबको एक चीज बतानी है, ये वाला मदीना का सूट है, ये वाला इंडिया का सूट है, ये वाला पाकिस्तान का सूट है, ये पाकिस्तान का सूट है, ये भी हाँ ये पाकिस्तान है, मैं इंडिया से मैं इंडिया से, मेरा सूट इंडिया से और हानिया का सूट भी इंडिया से। हम निकलने वाले हैं बाहर, बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा के। मीठे में बने आज हमारे घर पे गुलाब जामुन जो कि मैंने खाए नहीं थे, अभी मैं खाने लगी हूँ, दो ले लिए मैंने यहाँ से और बाकी जिस जिसने नहीं खाए तो वो आके खाएगा। ये हो गया, ये रहा चम्मच और अब खाते हैं हम मजे मजे से। मैं अपने मीठे लड्डू गुलाब जामुन के लेके आ गई हूँ, यहाँ पे बैठ के खाती हूँ सुकून से और इस तरीके से अपनी ईद को मैं करती हूँ एंजॉय। सारे भी यहाँ पर जमा हो गए ईदी लेने के लिए और मुस्तफा कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा ईदी चाहिए, इसलिए ये सैड सैड होके बैठा हुआ। कितनी ईदी चाहिए बताओ? बड़ा मैं हूँ सर तो मुझे मिलनी चाहिए, मेरे बाबू को मिलनी चाहिए। और हानिया को कितनी चाहिए? दो हजार। क्या दो हजार का क्या होगा? मलाको को, मलाको बस ये बैलून चाहिए, बस ये पकड़ो इसको, ईदी नहीं चाहिए बस इसको ये बैलून चाहिए। अभी तक ईदी जो है ना वो यहाँ पर पता नहीं कितनी किसी को दे रहे हैं कुछ पता नहीं है, यहाँ पर सबके जो पैकेट्स हैं वो बन गए हैं और सबको अभी मिलेंगे। बाहर का जो पैकेट बना है ना वो 500 रियाल का है, जरूरत ही नहीं है अंदर ईदी डालने की, जरूरत नहीं है अंदर ईदी डालने की, ऑलरेडी 500 का। चलो कौन सा चाहिए आपको? एक उठा लो, एक एक उठा लो एक। चलो सबकी बारी आ गई अब ईद लेने की, मैं मलाक की तरह बैलून लेकर बैठ गई। चलो पहले पहले चाचू को मिल गए, मुस्तफा को मिल गए, मोना की बारी, मोना को लेने। चलिए अभी ना मैं मैट और टिश्यू वगैरह लेकर आ गई हूँ बाहर, बाकी सारे आराम आराम से आ रहे हैं और हम जा रहे हैं गाड़ी के पास। मलाक की रोने की आवाज़ें आ रही है, मलाक थोड़ी चिड़चिड़ी बनी हुई है कल से ना उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऐसा लगता है जैसे हल्का हल्का बुखार हो रहा था उसे। ये लाल तो पहले आया हुआ है, ये पकड़ो, ये रख दो इधर साइड पे रख दो वहाँ पे। मलाक जा रही हो आप? माँ को छोड़ के जा रही हो आप? इधर देखो कहाँ जा रही हो आप ईद मनाने? मलाक हो बताओ आगे से। चलो मलाक को बैठो, शाबाश।
अभी हम पहुंच गए हैं जिस लोकेशन पर हमने आना था। अच्छा ये हमें ना नायला ने बताया था क्योंकि नायला यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आने वाली थी। उसने मुझे बताया कि यहाँ पर काफी अच्छा जो है ना वो फंक्शन लगा हुआ है, मेले की तरह है यहाँ पर, जैसे कि बच्चों के झूले वगैरह भी हैं, काफी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए अंदर, तो इसलिए फिर हम आ गए यहाँ पर। लोकेशन वैसे काफी अच्छी, बहुत पहले मैं यहाँ पर बच्चों को लेकर आती थी, तकरीबन जब जब ईद होती है ना तभी ये लगते हैं। पहले हम जा रहे हैं वहाँ पर सामने, देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर एक यूं समझे मेले की तरह मेला लगा हुआ है और देखिए चारों तरफ सारे लोग हैं, चेयर्स पे टेबल जिन्होंने सब बाहर लगाए हुए हैं। नायला किस साइड पे है मुझे नजर नहीं आ रही, वो कह रही थी मैं भी यहीं पर हूँ, इसी मुजम्मे में होगी वो भी पता नहीं। हानिया भी चली गई, सारे बच्चों को बुला लिया इन्होंने, पर मैं हानिया को लेकर आ गई हूँ और हस्बैंड और मुस्तफा जा रहे हैं आगे टिकट्स लेने, और इसने भी लेनी है टिकट्स अपने लिए। मैंने कहा आप साथ चलो, फिर बाद में ये कहती है कि मेरे लिए ये वाली टिकट क्यों नहीं, मैंने तो वहाँ पे बैठना था। टिकट्स होती है उस झूले की लेनी पड़ती है। अभी देखते हैं यहाँ पे मिल रही है टिकट्स, आ जाओ। टिकट्स मिल गए, चलो पहले देखते हैं अब्दुल्ला को और जन्नत को, ठीक है उनके साथ बैठना है ना आपने, चलो आ जाओ। मलाको चलना है आपने हमारे साथ, मलाको दौड़ दो पापा के साथ और आ जाओ जल्दी करो। मम्मा की जान कहाँ जा रही हो आप? यहाँ पर नायला है पीछे और वहाँ पर देखिए मुस्तफा और तमन्ना वहाँ पर है, यहाँ पर है मैं और दोना, अब दोना ने मुझे बचा के रखना है। अभी मुझे लग रहा है कि हम ना अभी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे हैं, और सच में ऊपर इतना मुझे डर लग रहा था ना, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझसे वीडियो बन पाएगी, ऐसे दोनों हाथ में ऐसे जंजीर को पकड़ के बैठी हुई थी, लेकिन अभी जैसे ही नीचे हुए ना तो अभी थोड़ा मेरा हौसला आ गया, हिम्मत आ गई मेरे अंदर थोड़ी सी। सच में मज़ा बहुत आया, डर भी लग रहा था लेकिन मज़ा भी बहुत आया। नायला आए मज़ा आए मज़ा आए चक्कर आ रहे नहीं उससे नहीं उससे बैठ तो मेरी जान निकल जाती है। वहाँ पर क्या चीज है, क्या खूबसूरत लगती है वो जगह। अभी हानिया और जन्नत को बैठने हैं झूले पे, इन दोनों को मैं लेकर जा रही हूँ सामने सामने उधर से वो दरवाजे सामने से। तमन्ना को भूख लग रही थी, तमन्ना ये चिप्स लेकर आ गई और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ गई और मैं भी इसे ले रही हूँ। मलाको क्या चाहिए? अच्छा ये चाहिए, दो जल्दी से दो। खेल के ना फिर भी बच्चे रो रहे हैं, मूड देखो कैसे बनाया है अपना। चलिए अभी सारे जमा हो गए हैं,
नायला भी हमारे साथ ही जा रही है, नायला को भी हमने छोड़ना है। के बाद फिर हम देखते हैं कि हमने कुछ खाना वाना खाना है कि नहीं खाना। चाचू से पूछते हैं, चाचू क्या खाना खाना है आपने? सब खाएंगे, जो सब खाएंगे वो भी खा लेंगे। फिर भी कोई कुछ पता है अलबैग खाए? मेरा इरादा ये था, मैंने कहा अलबैग खाते हैं आज, बस सही है। फिर आज हाँ मुस्तफा को भी बहुत अच्छा लगता है अलबैग। खाना यहाँ पर आ गया है और हम सब आज कह रहे थे कि ना हम अलबैग विरोध लेंगे, लेकिन अलबैग नहीं मिला हमें, काफ़ी रश था वहाँ पर। और मलाक ना भी बहुत ज़्यादा रो रही है कि उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? ये चाहिए